हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं एल्गोरिथम्स के ऊपर। ठीक है, पहले मैं आपको इस प्लेलिस्ट के बेसिक्स बता देता हूँ कि बेसिकली मैंने इसे अलग से सेपरेट क्यों किया। इसे सेपरेट करने का बस एक ही मोटिव है कि एक चीज़ें अलग तरह से समराइज हो जाए। इस प्लेलिस्ट को ना आप एकदम याद कर लीजिएगा, इसमें जितने भी एल्गोरिथम्स आएंगे। और मैं इसे प्लेलिस्ट को ऐसे बना रहा हूँ ना कि जो एल्गोरिथम्स है वो एल्गोरिथम्स क्यों आए, मतलब क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने का, इसका यूजेस कहाँ कहाँ पर। आई नो, मतलब कि एक तो प्लेलिस्ट है जो आपको कोडिंग के ऊपर, जो कि आपको कंप्यूटेटिव कोडिंग सिखाएगा, ठीक है, वो क्वेश्चंस करने का अप्रोच। बट बहुत सारे क्वेश्चंस में ना काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स लगते हैं। ठीक है, अगर आपको ये प्लेलिस्ट पूरा याद है तो एट द एंड आपको इंटरव्यू में, चाहे आप कोई भी जॉब प्रोफाइल फील्ड में जाइए, चाहे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। और एक सबसे बड़ा एक इस प्लेलिस्ट को बनाने का मेरा मोटो ये भी है कि मैं भी इस प्लेलिस्ट को रोज़ याद करूँगा। ठीक है, बिकॉज मुझे भी बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती, मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ देखनी पड़ती है। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर इस प्लेलिस्ट को अपन अलग से बनाएंगे तो आप लोग भी इस प्लेलिस्ट को रोज़ याद कीजिए और मैं भी रोज़ याद करूँगा। एट द एंड जब प्लेलिस्ट बन जाएगा ना तो आपको पता चलेगा आपके माइंड में कितने सारे एल्गोरिथम्स आपको याद है जिसका इम्प्लीमेंट आप कर पा रहे हैं। इस प्लेलिस्ट को मैं तभी बनाऊँगा जब उसका और इस प्लेलिस्ट में जो भी एल्गोरिथम्स होंगे, ठीक है, उन सारे एल्गोरिथम्स का मैं यूज़ भी करवाऊँगा सीपी में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मैं सारे एल्गोरिथम्स का यूज़ भी करवाऊँगा। तब जाके आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाइएगा कि कैसे एल्गोरिथम्स वर्क करती हैं। एंड आपको इस सीरीज़ में भी समझ में आ जाएगा कि कैसे हम एल्गोरिथम्स को यूज़ कर सकते हैं, हमें ज़रूरत क्या पड़ा करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस ये याद रखिएगा कि इस प्लेलिस्ट को आपको याद करना है। रोज़ अगर आप इस प्लेलिस्ट को देखिएगा ना तो एट द एंड आपको याद हो ही जाएगा। ऐसे भी 21 डे प्रिंसिपल, अगर आप किसी चीज़ को 21 डे करते हैं तो आपको वो चीज़ याद हो ही जाता है। डेट्स वाइज प्लेलिस्ट को आप रोज़ से रोज़ रिवाइज़ कीजिए, ठीक है, जस्ट लाइक मी। तो आज पहला एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रीफिक्स सम एरे। नाउ, अब इस एल्गोरिथम में है क्या, बहुत लोगों ने इसे पहले इंप्लीमेंट कर रखा है बट इसे प्रीफिक्स सम एरे कहते हैं ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, जैसे मुझे भी नहीं पता था। तो काफ़ी सारे इंटरव्यू में जब जाइएगा ना तो जस्ट लाइक दे आस्क यू कि से व्हाट इज़ प्रीफिक्स सम एरे। भले आप लोगों ने उसे यूज़ कर रखा है बट आपको बाई टर्न इसे पता नहीं कि प्रीफिक्स सम एरे कहते क्या है और होता क्या है, तो आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाइएगा आपको आने के बावजूद भी। तो बाई टर्म आपको चीज़ें भी पता होनी चाहिए। जस्ट पहले आते हैं प्रॉब्लम्स कि प्रीफिक्स सम एरे हम लोग पढ़े क्यों रहे हैं। प्रॉब्लम सिंपल सा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस और एल्गोरिथम्स में जब हम लोग यूज़ करते हैं तो ये प्रीफिक्स सम एरे यूज़ होता है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं, मैं बताऊँगा अभी। तो प्रीफिक्स सम एरे यूज़ होता है तो हर जगह सिंपली लिख दिया जाता है कि जस्ट यूज़ द प्रीफिक्स सम एरे एंड गेट द आंसर। तो भैया प्रीफिक्स सम एरे पता भी तो होना चाहिए। तो डैट्स वाई मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस प्रीफिक्स सम एरे, मतलब जो एल्गोरिथम की जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, आप उसे रोज़ रिवाइज़ कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ओके, नाउ अब बात करते हैं एग्जांपल। एग्जांपल क्या कि लेट सपोज एक एरे लेते हैं जिसका लेंथ कितना है, 7। अब 7th लेंथ का हम लोग क्या ले रहे हैं, एरे। एग्जैक्टली, तो ये रहा एरे जिसमें कि पहला इंडेक्स में 2, 5, 7, 10, 15, 16 और 13 था। नाउ अगर बोला जाए इस एरे का आप प्रीफिक्स सम एरे निकालिए, ओके, इस एरे का अगर आप प्रीफिक्स सम एरे निकालिए तो कैसे निकालेंगे। तो ऑब्वियसली प्रीफिक्स सम एरे भी सेम लेंथ का रहेगा, बस इसमें वैल्यूज़ अलग रहेंगे। सॉरी अगर थोड़ा मेरा नॉइज़ आ रहा होगा तो, बिकॉज यहाँ थोड़ा बारिश का मौसम बना हुआ है। ओके, तो पहले इंडेक्स हम लोग क्या स्टोर करेंगे, ए ऑफ 0 एज इट इज़, यहाँ तक क्लियर। तो क्या स्टोर हो जाएगा, 2। नाउ फर्स्ट इंडेक्स में क्या स्टोर करेंगे, ए ऑफ 0 प्लस ए ऑफ 1। इट मीन्स कि पहला इंडेक्स प्लस सेकेंड इंडेक्स, मतलब 0 इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स का सम 1 में जाएगा। तो 2 प्लस 5 7। एग्जैक्टली, नाउ एज इट इज सेकेंड इंडेक्स में क्या जाएगा, ए ऑफ 0 प्लस ए ऑफ 1 प्लस ए ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 14। एग्जैक्टली, 2 प्लस 5 प्लस 7। नाउ अगेन थर्ड इंडेक्स में क्या जाएगा, ए ऑफ 0 प्लस ए ऑफ 1 प्लस ए ऑफ 2 प्लस ए ऑफ 3। तो 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 24। अब फोर्थ इंडेक्स में एज इट इज। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि हम लोग बार बार ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4 क्यों करें। आप एक कॉमन सेंस लगाइए, हम लोग को फोर्थ इंडेक्स के लिए वैल्यू क्या होगा, ए ऑफ 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ए ऑफ 4। तो ए ऑफ 0 से ए ऑफ 3 तक का सम तो हम लोग निकाल रखे हैं जो कि क्या है, प्रीफिक्स सम एरे का थर्ड इंडेक्स, और एज फिर हम लोग को ए ऑफ 4 का 4 इंडेक्स करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए प्रीफिक्स सम एरे का थर्ड इंडेक्स क्या है, ए ऑफ 0 प्लस ए ऑफ 1 प्लस ए ऑफ 2 प्लस ए ऑफ 3। यस,
24 प्लस 15 इज इक्वल टू 39 एग्जैक्टली. नाउ फिफ्थ इंडेक्स का क्या होगा, पी एस ए 4 प्लस ए ऑफ 5 इट मीन्स के 55 देन एज इट इज 68. अब ये तो काफ़ी इजी सा है, अभी हम लोग इसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं एक बार, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे. तो नाउ ओपन द कंपाइलर एक्स कोड. तो मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस प्लेलिस्ट को ऐसे मत लीजिए कि ये कोई कोर्स है, इस प्लेलिस्ट को ऐसे लीजिए कि ओके वेट, मतलब इस प्लेलिस्ट को आप ऐसे लीजिए ना कि मुझे इस प्लेलिस्ट को रोज़ से रोज़ डिवाइस करना है, बिकॉज एट द एंड ना आपके माइंड में काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स ध्यान रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे. ठीक है, एंड मी टू, मैं भी रिवाइज करते रहूँगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, बिकॉज जनरल अप्रोच तो अच्छी बात है बट चीज़ें पता भी होनी चाहिए काफ़ी सारी चीज़. तो हम लोग एक एरे मानते हैं, यहीं पे रख देते हैं इसे, पहले 10, 20, 30, 15 एंड 10, ओके. नाउ अब हम लोग इसका प्रीफिक्स सम एरे निकालेंगे. तो इंट ऑफ प्रीफिक्स सम एरे ऑफ क्या, कितना लेंथ का बनाएं, 1, 2, 3, 4, 5, एग्जैक्टली 5 लेंथ का बना हुआ है हमारे पास. नाउ फॉर इंट आई बराबर 0, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस. प्रीफिक्स सम एरे का रूल क्या था, इफ आई बराबर 0 तो पी एस ए ऑफ आई बराबर ए ऑफ आई, एल्स अगर ऐसा नहीं है तब क्या होगा, तब हम लोग करेंगे पी एस ए ऑफ आई बराबर पी एस ए ऑफ आई माइनस 1 प्लस ए ऑफ आई, एग्जैक्टली. नाउ अब फिर हम लोग प्रिंट करा देते हैं. नाउ वी प्रिंट प्रीफिक्स सम एरे. ठीक है, तो फॉर इन आई बराबर 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, सी आउट प्रीफिक्स सम एरे ऑफ आई, नाउ सम स्पेस एंड एट द एंड सी आउट एंड लाइन भी चेंज कर देते हैं. नाउ एंटर. अब आपको पता है क्या आना चाहिए, एक गलती कहाँ हो गया, अच्छा यहाँ पे एरर था. ठीक है, तो बस सक्सीड करते हैं. अब आंसर आप लोग मन में सोच लीजिए पहले एक बार, आंसर क्या आना चाहिए कॉपी में कैलकुलेट कर लीजिए. पहला का 10, 30, 60, 60 प्लस 5, 75 एंड 10, 85. यस, 10, 30, 60, 75 एंड 85. यस, ये चीज़ समझ में आया ना, ये चीज़ मैंने कैसे किया कि अब चाहे तो आप लूप भी लगा सकते थे इसमें, ए ऑफ 0 प्लस ए ऑफ 1 प्लस ए ऑफ 2 प्लस ए ऑफ 3, बट बेसिकली हम लोगों ने तो यहाँ पे ये चीज़ कर रखा है ना, तो हम लोग लूप क्यों लगाएं. तो एज इट इज़ हमारे पास आंसर आ जाएगा. नाउ आई होप गाइस कि आपको ये पी एस ए समझ में आया कि प्रीफिक्स सम एरे होता क्या है. ठीक है, एंड मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस प्लेलिस्ट को रोज़ देखिए, इसका फ़ायदा ये होगा. मतलब पता है पैसा क्या कीजिए, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए ना, तो मुझे जो चाहिए होता मैं ऐसे ही करता हूँ कि आई बिलीव इन 21 डे प्रिंसिपल. ओके, तो जस्ट कमेंट इट इफ़ टुडे इज़ डे 1, इफ़ यू सीन द वीडियो. एंड आपको इससे फ़ायदा ये होगा ना कि आपको ऐसे नहीं सोचना पड़ेगा कि, या फिर आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा ना कि मुझे चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी, चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, वो आपके इनबिल्ट ऑटोमेटिक माइंड में बैठ से जाएगा. टुडे इज़ डे 1, नाउ कमेंट इट हैशटैग 1 डे कम्प्लीटेड. ठीक है, ये हैशटैग डे 1 कम्प्लीटेड. ओके, नाउ इफ टुडे इज़ डे 2, देन हैशटैग डे 2 कम्प्लीटेड. पता है, इट्स द मोटिवेशन फॉर यू, मेरा कुछ नहीं है बट इससे आपको फ़ायदा मिलेगा. ठीक है, कि एट द एंड इसमें चाहे 30 लेक्चर आए, 40 लेक्चर आए, इस सीरीज़ में 50 एल्गोरिथम आए, एट द एंड चाहे वो 6 महीना लगे, चाहे 5 महीना लगे, आपको वो चीज़ परमानेंट आपके दिमाग में रहेगा, जो कि इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है. ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. ओके, ना आई होप गाइस कि प्रीफिक्स सम एरे आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डिफरेंस एरे. ठीक है, नाउ थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में.